नमस्ते दोस्तों, आज हम पनीर बटर मसाला बनाने जा रहे हैं। उसके लिए 400 ग्राम पनीर काट के ले लिए हैं। पनीर को मीडियम साइज में काट के ले लिए हैं। 6 टमाटर काट के ले लिए हैं, जिसको प्यूरी बनाएंगे। 1 कटोरा काजू ले लिए हैं, जिसका पेस्ट बना लेंगे। और 4 हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा धनिया पत्ता, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और फ्रेश क्रीम 1 कटोरा ले लिए हैं। और 2 चम्मच बटर ले लिए हैं। अब चलते हैं बनाने। पहले टमाटर का प्यूरी बना लेंगे। मिक्सी के जार में डाल देंगे, साथ में अदरक और हरा मिर्च डाल देंगे। प्यूरी बनकर तैयार है। अब काजू का पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे। काजू का पेस्ट बनकर तैयार है। चलते हैं मसाला तैयार करने। कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब इसमें बटर डालेंगे। टमाटर का प्यूरी डालेंगे। अच्छी तरह से मिला देंगे। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 2 मिनट इसे पका लेंगे। आधा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। एक चम्मच नमक डालेंगे। हम मसाले को तब तक पकाएंगे जब तक बटर अलग न होने लगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे और पकाएंगे मसाले को। मसाले से बटर अलग होने लगा है। अब इसमें काजू का पेस्ट डालेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा कसूरी मेथी डालेंगे और क्रीम डालेंगे 1 कटोरा और चलाते रहेंगे। लगातार चलाते रहेंगे ताकि फटे नहीं। अब इसमें पनीर डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। दो मिनट और पका लेंगे।
धनिया पत्ता डालेंगे। और अच्छी तरह से मिला लेंगे। गैस ऑफ कर देंगे। पनीर बटर मसाला बनकर तैयार है, अब इसे सर्व करेंगे। थोड़ा सा धनिया पत्ता से गार्निश कर लेंगे। इसे रोटी या नान के साथ खा सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा मेरा वीडियो। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। धन्यवाद।